मम्मी बड़ा सुंदर बैग है, कहाँ से लेके आए? जी मैंने बचे हुए कपड़े का बनाया है, अपने आप बनाया, ये सिलाई की है मैंने इसको। नहीं ये तो रेडीमेड लग रहा है जी, पता नहीं मुझे आपको कैसे लग रहा है, पर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये कपड़ा भी इस्तेमाल हो जाता है। हाँ हाँ, और घर के लिए जी, सब्जी लाने के लिए या सामान लाने के लिए। नहीं सब्जी नहीं है तो वैसे बड़ा सुंदर है, आप यहाँ इसको जिप लगा दो, कुछ और बटन लगा दो, जिप भी लग सकती है। और ये मैंने बना के यहाँ से खुला छोड़ दिया इतना इतना, क्योंकि इसको जो मैंने बाल डाले हैं ना, बाल डालने से ये ऐसे टाइट हो जाता है। अच्छा अच्छा, इसका ये ऊपर से जो मुंह है ये थोड़ा टाइट हो जाता है, या ये साइड में छोड़ दिया तो ये इसमें बड़ी चीज भी डाल सकते हैं। ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऊपर से मैंने इसको जी। चलो आज आपसे यही सीखते हैं ना, आपने कैसे बनाया। ठीक है, आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलो अब अगली आवाज़ जो है मम्मी की होगी। और मम्मी इस ब्रोकेड के कपड़े से ना, एक्चुअली सूट का कपड़ा था ये बचा हुआ, उसके कपड़े से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बना है, कितनी मेजरमेंट थी। तो अगली आवाज़ माता जी की। सभी को मेरा नमस्कार, मैं आपको आज कैरी बैग सिखाने जा रही हूँ। ये कपड़ा सूट से बचा हुआ था मेरे पास, ऐसे पड़ा हुआ था। कभी सोचती थी कि बच्चों के लिए कुछ बना दूं, कभी कुछ मेरे दिमाग में और आ जाता था। बच्चों के लिए भी मैंने देखा कि ये कपड़ा कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था और ये मोटा था। आजकल गर्मियों में बच्चों को तो ये पहनाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी कुछ ऐसा बनाऊं जो हमारे काम भी आए और काफ़ी समय तक ये चल भी जाए। तो आज मैं इसका एक कैरी बैग बनाने जा रही हूँ। मैं अब इसमें चुनटे डाल के बनाऊंगी इसको, और ये अंदर और बाहर से एक जैसा ही लगेगा, चाहे जिधर से मर्जी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देख लिया कि बैग कितना बड़ा है। कपड़ा काटने से पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। लंबाई इसकी 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 20 इंच है। और जब ये थैला मेरा बन जाएगा तो 2 इंच की इसके ऊपर मैं चुनटे डालने के लिए पट्टी भी लगाऊंगी। मैंने कपड़ा काट लिया है, पहले मैंने ये डबल कर लिया, फिर एक बार और डबल कर लिया, तो इसकी एक तरफ की लंबाई रहेगी 15 इंच, 15.5 इंच, और दूसरी तरफ ये 20 इंच है। 20 इंच के ऊपर मैं इसमें चुनटे डालूंगी। मैंने इसकी सिलाई कर ली है और अब मैं आपको ये सीधा करके बताती हूँ। ये दोनों तरफ से एक जैसे ही दिखेगा, आप इसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने बैग की 3 तरफ से सिलाई कर ली है और अब इसको सीधा कर दिया है, और मैं इसके ऊपर 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी और चुनटे डालूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर तनिया लगाऊंगी। आप अब इसको देख रहे हैं कि जो मैंने सिलाई लगाई है उसके बाद ये उल्टा सीधा एक दोनों तरफ से एक जैसा है, और अब मैं इसके ऊपर 2 इंच की पट्टी लगाऊंगी और चुनटे डालूंगी। उसके ऊपर मैं इसको कैरी करने के लिए 2 बदियां भी लगा दूंगी जो पकड़ने के काम आएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये बैग आपको बहुत पसंद आया होगा। आप भी ऐसा बैग बनाइए और आपके ये काम आएगा। और इसको आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद।